टॉपिक का नाम है डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी से रिलेटेड होगा हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक। तो जस्ट राइट डाउन डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी। देखो सारे पॉइंट्स सुनो ध्यान से। जब हम बात करते हैं ओवरी के अंदर फॉलिकल्स के डेवलपमेंट की, हमने बात की थी कि बिफोर बर्थ फीमेल चाइल्ड में जब ओजेनेसिस होता है तो प्राइमरी जर्म सेल से क्या बनता है? ओगोनिया। ओगोनिया के बाद प्राइमरी ओसाइट। सारी की सारी प्राइमरी ओसाइट बर्थ के पहले डेवलप हो चुकी होती। अब जो प्राइमरी ओसाइट है, दिस वन इज अ स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड प्राइमरी ओसाइट। इस प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ ओवरी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट था दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। दैट इज कॉल्ड उस स्ट्रोमा की सेल्स ओवरी के चारों तरफ अरेंज होकर सेल्स की एक लेयर बनाती हैं। और एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ। ठीक है, ये सेल्स कहां से हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मींस फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी। ये जो सेल्स की लेयर है जो प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ अरेंज हुई है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या नाम देते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। या इसके भी पहले अगर हम एक वर्ड यूज करें, जैसे फीमेल चाइल्ड बॉर्न हुआ उसके बॉडी में प्राइमरी ओसाइट है, स्ट्रोमा की सेल्स उसके चारों तरफ से कवरिंग करती हैं, तो उस फॉलिकल को बर्थ के टाइम पर हम नाम देते हैं प्रिमोर्डियल फॉलिकल। क्या नाम देते हैं? वो प्रिमोर्डियल फॉलिकल जैसे जैसे चाइल्ड ग्रो करता जाता है प्यूबर्टी के पहले पहले तक उस फॉलिकल में कुछ चेंजेस आते हैं। सेल्स का नंबर चेंज नहीं होता, सिर्फ थोड़ा सा वो फॉलिकल जो है मैच्योरेशन फेज की तरफ जाता है। तो उस मैच्योर फेज को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्या बोलते हैं? मींस प्रिमोर्डियल फॉलिकल जो बर्थ के टाइम पर थी धीरे धीरे ग्रो करके वो किस में कन्वर्ट होती है? प्राइमरी। स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता, बस सिर्फ वो सेल या फॉलिकल मैच्योर होता है। क्लियर ये पॉइंट? अब प्रिमोर्डियल फॉलिकल वर्ड अपने एनसीईआरटी में नहीं है, वहां स्टार्टिंग प्राइमरी फॉलिकल से होती है। बट अगर ये वर्ड कभी आता है तो प्राइमरी फॉलिकल के भी पहले हम क्या वर्ड यूज करते हैं? प्रिमोर्डियल फॉलिकल। क्लियर ये पॉइंट? इस प्राइमरी फॉलिकल्स में जो ये सेल्स की लाइनिंग बनी है, ये सेल्स की लाइनिंग कहलाती है सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा। क्या कहलाती है? क्लियर दिस पॉइंट? अब इस फॉलिकल में चेंजेस होते हैं। क्या चेंजेस होते हैं? देखो यहां पर प्राइमरी ओसाइट ही रहेगा। ये जो फॉलिकल्स की लाइनिंग थी, ये लाइनिंग जो सिंगल लेयर थी सेल्स की, अब ये डिवाइड करके मल्टीपल लेयर्स बनाती। लाइक दिस। क्लियर ये पॉइंट? अब ये जो मल्टीपल लेयर्स हैं सेल्स की, जिनको हम नाम क्या दे रहे थे? सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा। दीज सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा स्टार्ट टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एस्ट्रोजन। क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो यहां पर देखो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन प्राइमरी फॉलिकल से स्टार्ट हो जाता है, बट यहां पर जैसे ही ये स्ट्रक्चर बना, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन और भी ज्यादा ब्लड में बढ़ने लगता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, जहां पर यहां पर सिंगल लेयर थी, यहां पर मल्टीपल लेयर्स हैं, इस स्ट्रक्चर को अब हम नाम देते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या नाम देते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में सिर्फ एक चेंज है, क्या? नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ गई सेल्स की। सेल्स वही है, दैट इज कॉल्ड सेल्स ऑफ जो क्या प्रोड्यूस करती हैं? एस्ट्रोजन। अब इस सेकेंडरी फॉलिकल के चारों तरफ
स्ट्रोमा की जो सेल्स थी या स्ट्रोमा जो फ्लूइड था उसकी सेल्स एक और लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। दे फॉर्म एनदर लेयर अराउंड दिस सेकेंडरी फॉलिकल। इस लेयर को हम नाम देते हैं थीका। व्हाट इट कॉल्ड? थीका। व्हाट इट कॉल्ड? थीका। तो दिस वन इज अ प्राइमरी फॉलिकल, दिस वन इज अ सेकेंडरी फॉलिकल। अभी भी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है? प्राइमरी ऊसाइट। कौन सा स्ट्रक्चर है? क्लियर ये पॉइंट? अब देखो, अब इस फॉलिकल में चेंजेस आएंगे। ये जो फॉलिकल है ये साइज में ग्रो करती है, ये कौन सी सेल्स हैं? सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा। नाउ दिस प्राइमरी ऊसाइट विच वॉज प्रेजेंट इनसाइड द सेकेंडरी फॉलिकल, इस प्राइमरी ऊसाइट का फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट होता है। और जब प्राइमरी ऊसाइट में फर्स्ट मियोसिस होता है तो क्या बनता है? सेकेंडरी ऊसाइट। क्या बनता है? वो सेकेंडरी ऊसाइट जो बनेगा दैट शिफ्ट टू अ कॉर्नर, दैट शिफ्ट टू अ कॉर्नर, क्योंकि यहां पर एक कैविटी बनती है, यहां पर एक कैविटी बनती है जिस कैविटी का नाम है एंट्रम। इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? एंट्रम। इस कैविटी के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एंट्रल फ्लूइड। व्हाट इट कॉल्ड? और इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी के बनने की वजह से प्राइमरी ऊसाइट के मियोसिस से जो सेकेंडरी ऊसाइट बना दैट शिफ्ट टू द कॉर्नर, दैट शिफ्ट टू द कॉर्नर। साथ ही साथ जो ये जो थीका लेयर थी ये डिवाइड होकर एक लेयर बनाती है अंदर की साइड और एक लेयर बनाती है बाहर की साइड। आउटर लेयर इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना, इनर लेयर इज कॉल्ड थीका इंटरना। और अब ये ऊसाइट कौन सा ऊसाइट है? और सेकेंडरी ऊसाइट एंट्रम थीका लेयर कंटेनिंग दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल। क्या कहलाता है? क्लियर दिस पॉइंट? तो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर कौन सा ऊसाइट था? सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी कौन सा ऊसाइट था? बट टर्शरी फॉलिकल के अंदर अब कौन सा ऊसाइट है? सेकेंडरी ऊसाइट। क्लियर ये पॉइंट? प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, ये तब बनना स्टार्ट होता है जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। बिफोर प्यूबर्टी ये सारे चेंजेस नहीं आते। बिफोर प्यूबर्टी सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉलिकल होती है? प्राइमरी। प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर बर्थ के टाइम में लैक में होता है। प्यूबर्टी तक आते आते ये नंबर बचता है 60,000 to 80,000 इन ईच ओवरी, इन ईच ओवरी। क्लियर दिस पॉइंट? नाउ अब देखो, ये स्ट्रक्चर था थीका एक्सटर्ना, देन विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट? थीका इंटरना। ये सेल्स ऑफ ग्रैनुलोसा, यहां पर फ्लूइड फिल्ड कैविटी प्रेजेंट है जिसको हमने क्या नाम दिया था? एंट्रम। क्या नाम दिया था? अब देखो एक और चेंज, ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकेंडरी ऊसाइट। ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है, ये सेकेंडरी ऊसाइट अपने चारों तरफ एक लेयर बनाता है सेल्स की, और इस लेयर को बच्चों हम नाम देते हैं
जोना पेलुसिडा. व्हाट इट कॉल्ड? ये लेयर किसने बनाई? सेकेंडरी ओसाइट नहीं, किसने बनाई? अब जो ये सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा थी, कौन सी सेल्स थी? सेल्स ऑफ ग्रेनुलोसा ऑल्सो फॉर्म अनदर लेयर अराउंड दिस जोना पेलुसिडा एंड दिस लेयर इज कॉल्ड कोरोना रेडिएटा. व्हाट इट कॉल्ड? तो सेकेंडरी ऊसाइट के चारों तरफ सबसे बाहर कौन सी लेयर है? उसके अंदर. क्लियर ये पॉइंट? दिस फॉलिकल विच कंटेन दीज टू लेयर्स एंड ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ टर्शरी फॉलिकल, दिस इज कॉल्ड मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल. क्लियर दिस पॉइंट? अब देखो, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का ऑन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर होती है. क्या होती है ये? रप्चर. और रप्चर होते ही ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज सेकेंडरी ऊसाइट. कौन सा स्ट्रक्चर है? जोना पेलुसिडा. और ये कौन सी लेयर है? ये स्ट्रक्चर रिलीज हो जाता है. और जब ये स्ट्रक्चर रिलीज होता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन. व्हाट इट कॉल्ड? व्हाट इट कॉल्ड? ओव्यूलेशन. होने के बाद ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल है, ये रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होती है एक येलो कलर्ड के मास में. किस कलर के मास में? इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. तो कॉर्पस ल्यूटियम इज डेवलप्ड बाय रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल. ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है दो हॉर्मोन्स. वन इज कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन एंड वन इज कॉल्ड एस्ट्रोजन. वन इज कॉल्ड. क्लियर ये पॉइंट? और आफ्टर 5 to 7 days ये कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट होकर एक वाइट कलर का मास बनाता है जिस स्ट्रक्चर का नेम होता है कॉर्पस एल्बिकंस. क्या नेम होता है? ये सारे चेंजेस होते हैं इन ईच फॉलिकल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. मोस्टली 99% केसेस में इन ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल ओनली वन ओवम इज रिलीज्ड. क्लियर ये पॉइंट? बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर एक ही ओवरी से या अलग अलग ओवरी से दो ओवा रिलीज हो. अदरवाइज एक ओवरी ओवा प्रोड्यूस करती है एक साइकिल के टाइम पर, फिर दूसरी ओवरी सेकेंड टाइम पर. क्लियर ये पॉइंट? ये सारी चीजें कहां हो रही हैं? ओवरी के अंदर. ओवरी के ये डायग्राम आता है बनाने को. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स इनसाइड द ओवरी. क्लियर ये पॉइंट? इसको बनाओ.